नमस्कार। हमारा देश युवाओं का देश है और हम अपने युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं करियर से जुड़ा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है बातें करियर की। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। आइए चलें एक ऐसे करियर इवेंट में जहां हम मिलेंगे तमाम ऐसे लोगों से जिन्होंने दी हमारे युवाओं को एक नए करियर की जानकारी। आइए देखें क्या है ये नया करियर ऑप्शन कैंपस न्यूज में। ह्यूमन रिसोर्स आज के समय की एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि अभी भी 10-15% स्टूडेंट की कोर्स करने के बाद तुरंत एम्प्लॉयबल हो पाते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच के गैप को कम किया जा सके। इंडस्ट्री की डिमांड को समझने के लिए समय समय पर इन समारोहों का आयोजन होता है जो स्टूडेंट्स को खासा मदद करता है इंडस्ट्री को समझने में। कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं जिससे कि एक लगातार ना केवल अपनी अपने जो शिक्षा है जो एजुकेशन है वो केवल किताब में या लेक्चर्स तक ही सीमित नहीं रहें, बाहर से जो स्पीकर्स आते हैं उनकी भी बातें सुननी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए। उनके जो एक्सपीरियंस है उनका जो तजुर्बा है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अवेलेबल जो डेटा है वो ये बताता है कि जो क्लासरूम टीचिंग है वो 30% नॉलेज जो है क्लासरूम से आती है और 70% नॉलेज आउटसाइड क्लास आती है और ये कॉन्फ्रेंसें इज़ वन ऑफ देम। सो यहाँ स्टूडेंट्स को एक तो ये तरह है कि वो आपस में मिलते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, कॉरपोरेट से लोग आते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और दूसरे जो नई चीज़ें डेवलप हो रही उनको पता रहता है तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से काफ़ी यूजफुल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में दिल्ली के एक कॉलेज ने ऐसे ही इवेंट का आयोजन किया जिसका मुख्य विषय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही था। ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर मैनेजमेंट का या यूं कहें एमबीए का इमर्जिंग सेक्टर जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभर कर सामने आया है। इसमें न केवल एक बेहतर करियर ग्रोथ है बल्कि आगे बढ़ने का स्कोप भी ज्यादा है। इंडस्ट्री में एचआर ग्रेजुएट्स की डिमांड सबसे अधिक है। आने वाला जमाना है इसमें एचआर का या ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेसेस में कैपिटल अब आ गया है। हर एक के पास कैपिटल रहेगा, हर एक के पास टेक्नोलॉजी रहेगी तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसमें ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। लास्ट 10 ईयर्स से कि हर कंपनी में एचआर की जॉब क्रिएट हो गई है क्योंकि बिजनेस से काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया है और जो कानून है वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स है, उनका इंटरप्रिटेशन करना स्कोप है वो काफ़ी बढ़ गया है। आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ आती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए वो एचआर एनालिटिक्स यूज़ कैसे एचआर में किया जा सकता है उस पर काफ़ी फोकस करती हैं। स्टूडेंट्स आज के जो एचआर का स्पेशलाइजेशन लेते हैं इस बात को समझें कि वो किस तरह से अपनी नॉलेज को इन एरियाज़ में एक्सपैंड कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे इवेंट्स के माध्यम से कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड लोगों से इंटरेक्ट करने का तो मौका मिलता ही है, साथ ही इंडस्ट्री की मांग और चुनौतियों से रूबरू भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की नई दिशा नजर आने लगती है। देखिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ वी हैव इनवाइटेड 10 persons एंड हु आर वेरी हाई रैंकिंग दे आर हैविंग वेरी हाई रैंक पोजीशंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट और वो उस पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलिस्ट भी हैं, दे आर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड दे आर प्रैक्टिशनर्स। उनके साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को जो इंस्टीट्यूट में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी टीचिंग में काफ़ी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होती हैं लेकिन उनको इतना डिटेल तौर पे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसका नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो लोग अपने वहाँ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि वो किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स को अभी से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारे पास राइट नॉलेज हो,
हमारे पास राइट स्किल हो और एटीट्यूड हो, वो स्पिरिट हो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे दूसरों ने किया है वो भी इस पोजीशन में होंगे कि उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एमिनेंट लोग आते हैं और अपने अनुभव बताते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए और जानने के लिए कि एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है एचआर रोल्स प्ले करते हैं। उन लोगों का काम रहता है कि कंपनी में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो काम करते हैं वहाँ पे वो लोग ही काम करते हैं, उनसे ही हमको फ़ायदा रहेगा। तो एचआर का रोल जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्कूल या कॉलेज में आयोजित होने वाले ऐसे समारोह आपकी मदद कर सकते हैं एक बेहतर भविष्य बनाने में।